घर में जैसे पेंट वगैरह करना ना, कोई जैसे बाहर नहीं करना चाहता, पेंट खुद करना चाहते तो पेंट वगैरह की मशीन स्प्रे मशीन ये स्प्रे कर उसको टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए कूलिंग टैंक यूज़ किया जाता है, अलग अलग कंपनी है जो कूलिंग काउंटिंग करने वाली मशीन, नोट काउंटिंग मशीन जिसके ऊपर फिर कॉस्ट वाइज जाओगे फिर तो ब्रांडेड आ जाए, स्विस की कंपनी या तलारिश हो गई, ये ब्रांडेड हो जाती है सर। इसके 10,000 है, इसके 13,000 है, बाकी सब साल की गारंटी होती है। सर ये प्रॉपर गारंटी इसकी पूरी मशीन की होती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है मशीन की। उस इसके अंदर प्लस काउंटिंग है और केक डिटेक्ट करेगा, उन्होंने वैल्यू नहीं पता लिया। बारीकी वाला जो काम है माइक्रो प्रोग्राम है, तो तार के थ्रू काटता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीन मतलब यहाँ यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक का टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग होगा और कट जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आता है प्लस का एक माइनस का, बीच में जो आता है टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर इस हद तक बढ़ता है कि लोग काट देते हैं। ये दिख रही है आपको, ये वायर दिख रही है? हाँ जी, इसका काम होता है कटिंग वायर। ये जो वायर है ना पीस उधर चला गया, वायर जिथे जिथे गई वो कट हो गया, फिर इधर स्टेप बाय स्टेप। मतलब थोड़ी जी मैनुअल भी है? मैनुअल नहीं हैगी, कहने का मतलब है सीएनसी हैगी, वो उसके भी फीड किया जाएगा कितना प्लस जा रहा है, कितना एक्स, कितना वाई, कितना जेड, वो सारी चीज है सीएनसी है। पीसी बेस आ गया सर, यहाँ पे पीसी लगा हुआ है ना कंप्यूटर के ऊपर, इसमें सॉफ्टवेयर होता है इसका, जैसे ये देखो वायर कट, उसका सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, उसमें प्रोग्राम बना के इसको डाल देते हैं, क्योंकि वायर कट का जो मेन काम होता है ना उसमें पहले ड्राइंग बनती है ऑटो कैड के ऊपर, ड्राइंग वो ड्राइंग आपने डाल दी इसमें, ठीक है, अभी ऐसे इनका सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, अब देखो इसमें ऑटो कैड भी है, देखो लिखा है ना ऑटो कैड 2009, तो ऑटो कैड के ऊपर ड्राइंग बना दी पहले, उस ड्राइंग को इसमें मर्जी किया, ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपने पीस की कटिंग कर देंगे। वायर कट का मेन काम एक नॉर्मल का आदमी ठीक है।
यहाँ क्या लिखा देखो ईडीएम लिखा है, ये ईडीएम वो वायर के थ्रू कट होगी, ये किसके थ्रू कट होगी, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज टेम्परेचर यहाँ क्या टेम्परेचर सर जी मैं यहाँ देखो जॉब ऑलरेडी पई है ये भी ईडीएम, लेकिन ये मोस्टली क्या होता है कि ड्रिल में काम करती है, नीचे को कट करना है, जैसे अभी बारीकी में कट करना है, नीचे को वायर कट करना है, लेकिन ड्रिल ईडीएम मतलब ड्रिल मारने वाली ईडीएम है, ईडीएम नहीं लेकिन ड्रिल मारने वाली, ये ड्रिल का है ईडीएम मशीन है ना, ड्रिल ईडीएम मतलब ईडीएम मशीन ही है, लेकिन ड्रिल एक कैमरा लगा क्लियर तो है, हिल रही है कहीं सर की बातें सुन रहा हूँ, वो वाला सीएनसी वाला चेक नहीं है, जो सीएनसी मशीन होती है ना, सीएनसी टर्निंग मशीन, उसका चेक नहीं है, ये ड्रिल का ड्रिल मशीन होती है, वायर करते हैं तो उसके ऊपर ये चीज लगती है, तो इसके ऊपर इससे कसा जाता है, छोटा ड्रिल कट करना है, बड़ा ड्रिल कट करना है, यहाँ पर एक तरह से डाई बन रही है समझ लो आप, जैसे कि ये ब्लू एक जैसे कि लोगों बनाना और चीज़ें करते हैं उस तरह की मतलब ये काम कर रहा है, ये सही काम कर रही है जी जी, पहले कॉपर का मान है तो ये डिस्चार्ज होता है, कोई भी कॉपर का कोई भी चीज़ होता है तो डिस्चार्ज करेगी, किसी भी हार्ड मेटल जो कोई जो आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू डिस्चार्ज होता है, जैसे अभी गर्मी आने वाली है उस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से मतलब सीजन होता है उस हिसाब से आती है, वैसे तो एग्जीबिशन जो लग रही है वो फेब में ही लगती है, नौवीं एग्जीबिशन है ये मैं फोटो लगती है फेब में, नहीं नहीं वो तो कूलर है कूलर है रात भी रहता है, ये होता है मैनुअल, ये डिजिटल होता है, डिजिटल देखो कोई भी बच्चा भी नाप लेगा कुछ भी है, आपको वर्नियर और माइक्रोमीटर जो मैनुअल होते हैं उसके बारे में बताया था ना, कैसे मेजरमेंट की जाती है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर का लिस्ट काउंट क्या है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या है, तो ये है ये डिजिटल मार्क मीटर लगा हुआ है, कभी ऑन नहीं कर रखते हैं, जीरो जीरो पॉइंट कर रखा है, पूरा खोल के कर रखा है ना, तो जीरो जीरो बताया है, अगर इसको खोल के फिर मीटर से यहाँ पर मीटर बता देते हैं, वो भी मीटर में आना चाहिए जितना उसमें लगाओगे अपने आप बता देते हैं, हाँ लेकिन ये तो डिजिटल देखो कोई भी देखने का सामने आ जाएगी, अब कुछ चीज़ें सी एन सी से रिलेटेड हैं कुछ चीज़ें मतलब अलग ही, हम तो आपको सी एन सी से रिलेटेड बता रहे हैं, ये लेजर नहीं है ये बोवर्स इंग्लैंड की है, इसको हमने इसलिए रखा है कि जिस कस्टमर के पास जो अच्छी कंपनीज हैं जो बोवर्स या मेट्रो जो परचेज करती है ना, उनके जो साइज चेक करने वाले हेड होते हैं ये हार्ड पीस जो होते हैं ना, इसलिए इनके एनविल से जो साइज चेक करेगा वो वियर हो जाते हैं, जब खराब हो जाते हैं साइज एक्यूरेट नहीं पकड़ पाते, तो उसके लिए हमने ये रखा है कि हमारे जो हेड हैं वो इनमें फिट हो जाते हैं,
जो उनकी गन जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी और इनका डिलीवरी टाइम जो है वो 2-2.5 महीने आराम से लगता है। प्राइस हमसे ज़्यादा रहेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो सबसे फ्री होकर के इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग है। विद इन 1 वीक या 2 वीक आपको हैंड मिल जाएगा, आप लगाओ और अपना काम करो। इसलिए